हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओवरव्यू, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट आर इट्स फीचर्स। दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। स्टेप बाय स्टेप वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्व इन दिस डेफिनेशन। That is the second big question that we take up in this chapter. What makes it better than other forms of government? What is democracy? You have already read about different forms of government. On the basis of your understanding of democracy so far, mentioning a few examples, write down some common features of democratic governments, non-democratic governments. Why define democracy? आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। ये लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी टीचर मेटिल्डा लिंगदोह ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो क्लास की कई छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगीं। मैरी, मैडम मुझे ये तरीका ठीक नहीं लगता कि एक चैप्टर तो किस्सों और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की चर्चा में लगा दिया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब क्या ऐसा ठीक नहीं होता? लिंगदो मैम, तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसे ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना ज़रूरी मानते हैं? जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। मेरी, फिर परिभाषा की ज़रूरत ही क्यों है? लिंगदो मैडम, हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फ़र्क करना हो। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत है क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती है। रिबियांग, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या है? एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं पर राज्य करते रहे हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं, हमें इसमें बदलाव करने की क्या ज़रूरत है? लिंगदो मैडम, मैं ये नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की क्या ज़रूरत है। मुझे भी ये परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार ना करें तब तक ये तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है या सभी लोग उसे सही मानते हैं। योलांदा मैम, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का मतलब होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, यही सही अर्थ है। फिर परिभाषा की क्या ज़रूरत है? लिंगदो मैम, इस सवाल पर विचार करने का ये भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता।
समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है। अब कंप्यूटर शब्द को ही ले लो, ये कंप्यूटिंग यानी कि गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता था। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिज़ाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में होता है। शब्द वही रहते हैं, पर समय बीतने के साथ साथ उनका अर्थ बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता। मेरी मैम, आपके कहने का मतलब ये है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा करनी होगी। लिंग दो मैम, एकदम सही, इसीलिए आओ अब ये काम कर ही डालें। एक्टिविटी, लेट अस टेक लिंडन मैम सीरियसली एंड ट्राई टू राइट डाउन द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सम ऑफ द सिंपल वर्ड्स डैट वी यूज ऑल टाइम, पेन, रेन एंड लव। फॉर एग्जाम्पल, इज देयर अ वे ऑफ डिफाइनिंग अ पेन डैट डिस्टिंग्विशेस इट क्लियरली फ्रॉम अ पेंसिल, अ ब्रश, अ चॉक और क्रेयॉन? वॉट हैव यू लर्नड फ्रॉम दिस अटेम्प्ट? वॉट डज इट टीच अस अबाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? अ सिंपल डेफिनेशन। आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी होती हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाने की पहचान की थी। वो पैमाना था लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। इसीलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये एक उपयोगी शुरुआत है। ये परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वो देश के शासक बन गए हैं। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पिनोशे जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात है कि राजशाहियों पर भी लागू होती है। नेपाल के राजा और सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने ये हक पाया है। लेकिन ये सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें ये समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग अगर हम बिना सोचे समझे किए तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि आपने चैप्टर 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वो लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। इसीलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। ये काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। रिबियांग स्कूल से घर गई चेक योर प्रोग्रेस, और उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ और प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों को इकट्ठा किया। इस बार उसने उन उक्तियों को कहने या लिखने वाले के नाम का उपयोग नहीं किया। वो चाहती है कि आप भी इन्हें पढ़ें और बताएं कि ये किसने लिखी और ये उपयोगी है या नहीं है। लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना, पर उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करें।
लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से दूर किया जा सकता है। डेमोक्रेसी, यहाँ कार्टून में आप देख सकते हैं किस तरह से डेमोक्रेसी नेम को उसको लेके जाया जा रहा है। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इससे कई सवाल उठ खड़े होते हैं, जैसे कि इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है, किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है, लोकतंत्र में वो कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं, किस तरह के चुनाव यानी इलेक्शन को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं, किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है, कौन से लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं, क्या इसमें सभी नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है, क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है, सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे, क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या फिर लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी है, क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए। आइए कुछ एग्जांपल्स के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करें। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशरफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशरफ के पास हैं। स्पष्ट है कि जनरल मुशरफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ना कहने के कई ठोस कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं हैं। वो अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशरफ के हाथ में है, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए हैं। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी गई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। हमने पोलैंड के कम्युनिस्ट शासन के समय में सोवियत संघ और समकालीन इराक में अमेरिका की भूमिका के बारे में पढ़ा है। ऐसे मामलों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में होती रहती है, ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। ऐसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इसमें हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुँचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल
कंपटीशन। चीन की संसद को कुमांगुओ रेमिमन दाइवियाओ दाहुई राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। सन 2002 से 3 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरदार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में हर 6 साल बाद राष्ट्रपति चुनावों के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना जरूरी था। सरकारी स्कूलों के टीचर्स अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ही करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे कई लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी। क्या हम इन सब चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का एग्जाम्पल मान सकते हैं? इन एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं। चीन के चुनाव में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता है। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। किसी भी तरह वहाँ शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था। लोगों के चाहने पर भी नहीं, वहाँ हुए चुनाव निष्पक्ष थे। इस प्रकार हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही जरूरी नहीं होता। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास ये विकल्प रहना चाहिए कि वो चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस प्रकार से लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में आप Chapter 3 में और भी बातें जानेंगे। 1 person, 1 vote, 1 value। किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। अब हम इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के एग्जाम्पल भी कम नहीं है। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार ही नहीं था। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए थे कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं कि लोकतंत्र की तीसरी विशेषता, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक सामान्य मूल्य होना चाहिए। Chapter 3 में हम इस बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। जिम्बाब्वे को 1980 में
अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर जीनू पीएफ दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और हमेशा जानू पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वो चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उसकी जवाबदेही को कम किया था। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे और उसने जजों पर दबाव डाला। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नज़र डालना ज़रूरी है, पर उतना ही ज़रूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर नज़र डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करें। असहमति लोकतंत्र का आधार है। असीमित शक्तियाँ किसी के पास नहीं होती। उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की और कई राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हों। इन अधिकारों के बारे में हम और अधिक चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियां का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती है। ये सभी ना सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में हम चैप्टर 4 में और पढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को यहाँ देख सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। समरी डेफिनेशन, आइए अब तक हुई चर्चा को एक हम समअप करें। हमने लोकतंत्र की इस सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट ना हो जाएं, ये परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक एग्जाम्पल्स के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की चार विशेषताओं को पढ़ा। उनके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासन ही सारे प्रमुख फैसले कर सकते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वो चाहें तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं।
ये विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हों और इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। वाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र ही क्यों? मैडम लिंगदो की क्लास में एक बहस शुरू हुई थी। उन्होंने इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि क्या उन्हें लोकतंत्र ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। इस सवाल पर सबने कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहा। डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, योलांदा ने कहा, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमने कई बार पढ़ा कि दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं। क्या इतने से ही स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है? क्या अब भी इस पर बहस करने की ज़रूरत है? तांकिनी कहती है, लेकिन लिंगदो मैम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हों? जेनी कहती है, हाँ ये गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दे दिया है? आधी सदी से ज़्यादा समय से लोकतंत्र है और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। रेवियांग बोलता है, लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? जेनी बोलती है, जो भी है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुद्दा ये है कि हम इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है कि अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा, राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं, देश की परवाह किसे है? पाइमोन, तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए, बाहर से किसी राजा को देश पर शासन के लिए बुलाया जाए? रोज़ बोलती है, पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को वो एक मजबूत नेता की ज़रूरत है, ऐसा नेता कि जिसे चुनाव की संसद की परवाह ना हो, एक ही नेता के पास सारे अधिकार हों, देश के हित में जो कुछ जरूरी हो वो सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी देश से गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। कोई पीछे से चिल्लाया, इसी को तानाशाही कहते हैं। दोई बोलती है, अगर वो व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा? अगर वो खुद भ्रष्ट हो तब? रोज़, मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ। होई बोलती है, ये ठीक नहीं है, तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक से करनी चाहिए। जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो, वे सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। होता सिर्फ यही है कि हमें उनके बारे में जानकारियाँ ही नहीं हो पाती, और सबसे बड़ी गड़बड़ तो ये है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते। मैम लिंगदो इस चर्चा को पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी। अब उन्होंने हस्तक्षेप किया कि तुम सब इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे, ये देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम कौन सही या कौन गलत है, ये तो आप लोग सुलझाइए, पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बातें कर रहे थे। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती या आपको अपनी बात कहने के लिए सजा दी होती तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहां लोकतंत्र नहीं हो? क्या ये लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वो अधिकांश तर्क सामने आ गए हैं जिन्हें हम आम तौर पर सुनते हैं। ये तर्क जैसे कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है, चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं,
लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसीलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। सामान्य लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसीलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला ही नहीं करना चाहिए। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई हैं? इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है? इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होगा? इनमें से किस तर्क से आप सहमत हैं? निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली एक जादू की छड़ी है, एक जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के कई हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज़ को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसला करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उसके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियां भी तो कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने में फैसलों में देरी होती है। ये भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है। इन तर्कों से ये लगता है कि हम लोकतंत्र का जो भी रूप देखते हैं वो सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता, पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने ये सवाल नहीं होता। वहाँ सवाल ये होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है। आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। चाइना में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। इसमें गरीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे थे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया वैसा करने की ज़रूरत चीन सरकार ने महसूस ही नहीं की। अर्थशास्त्रियों का ये भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई है। अगर चाइना में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। ये एग्जाम्पल लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की ज़रूरत है कि अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, और ये सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर शासकों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की ज़रूरत नहीं है। पर लोकतंत्र में ये ज़रूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतों पर तत्काल ही ध्यान दें। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का ये अन्य कारण भी है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मसले पर कई लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियां की गुंजाइश कम हो सकती है। इसमें कुछ ज़्यादा समय ज़रूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के लिए अपने लाभ भी हैं। इससे ज़्यादा उग्र या गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना घटती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। इसी से जुड़ा तीसरा तर्क भी है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही।
भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज़्यादा होता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं, कई भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग हैं, जातियाँ भी अलग अलग हैं। दुनिया को ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी बहुत अंतर है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होते हैं। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएंगे? इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होगी वो दूसरे को दबा देगा और कमज़ोर समूह को इसे मानना होगा, लेकिन इससे नाराज़गी और असंतोष पैदा होगा। ऐसी स्थिति में कई समूह ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता और कोई स्थायी रूप से पराजित भी नहीं होता, और अलग अलग समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र की एकजुट बनाए हुए हैं। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये तीन तर्क लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत साबित करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। ये तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वो किसी और व्यवस्था में नहीं होती। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम ना भी हो तब भी ये दूसरों से बेहतर हैं। डेमोक्रेसी इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा मिलता है जो अमीर और पढ़े लोगों को है। लोग किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद अपने शासक हैं। अगर वो गलतियां करते हैं तब भी वो खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। जैसा कि हमने देखा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। इस मामले में लोकतंत्र का लाभ ये है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं रखा जा सकता। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है, और फिर इनमें सुधार करने की गुंजाइश भी है। इसका मतलब ये है कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदले या फिर शासक समूह को ही बदला जा सकता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जा सकता है। अब चलें अब इस चर्चा को भी समाप्त करें। लोकतंत्र हमें सब चीज़ नहीं दे सकता और ना ही ये सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है, लेकिन ये साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं। दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है ये अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएँ हैं, और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से साथ साथ रह सकते हैं। अगर ये इनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है तब भी इसमें गलती सुधारने की संभावना है, और इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र के इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की ज़रूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते। सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है, और ये बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। ये जरूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठा कर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं है।
अगर ये संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता। इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में डिफरेंस करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें लोकतंत्र के बृहत्तर अर्थ को समझना होगा, एक्सटर्नल अर्थ को और अच्छे से समझना होगा। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं। जरा यहाँ पर भी थोड़ा बताया गया है, आप इससे भी समझ सकते हैं कि हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसला लेते हैं। फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का है। मुझे वो शिक्षक नापसंद है जो क्लास में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त ही नहीं देते। मैं तो ऐसे टीचर पसंद करूँगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं, वो क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के लिए बुनियादी तरीके को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाली सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली ना हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना कि किसी और का है, जितना किसी बहुत शक्तिशाली का होता है। ये बात सरकार या परिवार पर भी लागू होता है और किसी अन्य संगठन पर भी। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों को जरूर करना चाहिए। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लोकतंत्र में सभी नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की ज़रूरत नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। अगर हम इन आदर्श पैमाने के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार ये याद दिलाती है कि हमें लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतंत्र व्यवस्था को परखने और कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या काम चलाओ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलता है। इस बुक में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज़्यादा बातें नहीं की हैं। हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की है। अगले साल यानी आप क्लास 10th में लोकतांत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीके के बारे में और ज़्यादा बातें जानेंगे। इस समय हमें सिर्फ इतना याद कर लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक हैं और लोकतंत्र कई रूप ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना, इसके बारे में हम चैप्टर 3rd में और ज़्यादा से पढ़ेंगे। लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। फिर तो सभी लोग साथ बैठकर सीधे वही फैसला कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को इसी तरह काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के कुछ और तरीके की इमेजिन कर सकते हैं?
इसका ये भी मतलब हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस चैप्टर में की वो लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, पर इनसे ये आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। ये स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और जरूरत पड़ने पर इसके काम को करने की मदद लेनी चाहिए। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वो भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या ख़राब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से ही ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। यही चीज़ लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है। इसीलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए।